आज मैं आपको बताऊंगा एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर स्ट्रोक का थिकनेस को कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे थिकनेस स्ट्रोक का जो थिकनेस होता है उसे कैसे इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल और इजी तरीका है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरा एडोबी इलस्ट्रेटर खुला हुआ है और पहले से मैंने एक आर्टबोर्ड यहाँ पर ले रखा है। आर्टबोर्ड कहने का मतलब एक पेज यहाँ पर ले रखा है। लेने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टूल बॉक्स में जाते हैं और यहाँ पे देखिए एक शेप बनाते हैं, जैसे इलिप्स टूल है, इस पर क्लिक करेंगे और नॉर्मल से मैंने सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। देख सकते हैं सर्कल आपको दिखाई दे रहा है और इसका जो आउटलाइन है देखिए, इसका जो स्ट्रोक है देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिख रहा है। इसको देखिए स्ट्रोक देने के लिए सबसे पहले इसमें थोड़ा सा स्ट्रोक दे देते हैं। तो यहाँ पर स्ट्रोक देखिए लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 5 पॉइंट है, तो यहाँ से आप चाहें तो इसको इंक्रीज़ और कम और ज़्यादा कर सकते हैं। दूसरा जो तरीका है विंडो में जाके स्ट्रोक देने के लिए, यहाँ पे देखिए नीचे आइएगा, यहाँ पे देखिए अपीयरेंस है, इस पर क्लिक करेंगे, अपीयरेंस का इस तरह का पैलेट खुलता है। अब यहाँ पे देखिए स्ट्रोक दिया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे 6 पॉइंट है। अगर मैं इसके अनफोल्ड करता हूँ तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो एक बॉक्स खुल जाता है। सेम देखिए 6 पॉइंट यहाँ भी लिखा हुआ है, 6 पॉइंट यहाँ भी लिखा हुआ है, सेम है। यहाँ से भी आप इसका थिकनेस को बढ़ा सकते हैं और यहाँ से भी आप ये जो पॉइंट दिया हुआ है यहाँ से कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो मैंने देखिए 6 पॉइंट ले रखा है। अब सपोज़ इसका थिकनेस को मुझे चेंज करना है तो कैसे करेंगे, एक टूल है देखिए यहाँ पे, इस टूल बॉक्स में जाएंगे और यहाँ पे एक टूल है जिसको हम लोग बोलते हैं विड्थ टूल। यहाँ पे देख सकते हैं शिफ्ट के साथ W प्रेस कीजिएगा तो ये एक्टिवेट हो जाता है। इस पर क्लिक करेंगे और कहीं से भी किसी भी पॉइंट पर, चाहे यहाँ पर या नोट पॉइंट दिया हुआ है तो किसी कहीं पे भी, जैसे इसका थिकनेस यहाँ से मुझे बढ़ाना चेंज करना है तो देखिए मैं थिकनेस इसका चेंज कर सकता हूँ। ये देख सकते हैं स्ट्रोक का थिकनेस चेंज हो गया। आप चाहें तो यहाँ से भी कर सकते हैं। अब यहाँ से भी अगर मैं ड्रैग करता हूँ देखिए इस तरह से इसका थिकनेस देखिए यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो इस तरह से शेप भी बना सकते हैं, लोगो वगैरह में बहुत काम आता है इस तरह के डिज़ाइन वगैरह बनाने के लिए। अब एक और तरीका दिखाता हूँ कि जिससे कि एक तरफ, मान लेते एक तरफ अगर थिकनेस को इंक्रीज़ करना है या डिक्रीज़ करना है तो कैसे करते हैं, चलिए दिखाता हूं मैं आपको। तो इसको पहले मैंने सिलेक्ट कर लिया और एडिट में जाके यहां से इसे क्लियर कर देता हूं। अब देखिए यहां पे एक शेप और बना लेते हैं। ये टूल बॉक्स में गया और यहां से रेक्टेंगल टूल पे क्लिक किया और एक रेक्टेंगल शेप ऐसे मैंने ड्रॉ कर दिया। अभी इसका स्ट्रोक देखिए 1 पॉइंट दिखाई दे रहा है। यहाँ से थोड़ा सा आप चाहें तो इसको ऐसे करके क्लिक करके बढ़ा सकते हैं। यहाँ से भी सेम वही टेक्निक है, कर दिया। अब मान लेते एक तरफ का थिकनेस मुझे बढ़ाना है, इंक्रीज़ करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, अगेन इस टूल पे जाएंगे, यहाँ पे टूल देख सकते हैं विड्थ टूल दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे और किसी भी एक पॉइंट पे ऐसे रखा और ऑल्ट की के साथ शिफ्ट दबाइएगा और इस तरह से ड्रैग कीजिएगा। जैसे बाहरी किनारा का स्ट्रोक मुझे इस तरह से इंक्रीज़ करना है, देखिए यहाँ पर स्ट्रोक इंक्रीज़ हो गया। अगर मान लेते इसको चाहते हैं कि भैया यहाँ से भी हम इसका अंदर की तरफ अगर स्ट्रोक इंक्रीज़ करना है तो ऑल्ट और शिफ्ट के साथ इस तरह अंदर की तरफ तानिएगा तो देखिए इसका अंदर की तरफ स्ट्रोक इंक्रीज़ हो गया। अगर मान लेते हैं यहाँ से मुझे चाहते हैं कि भैया इसका भी बाहर हो तो यहाँ पे रखिए किसी भी पाथ पे और ऑल्ट और शिफ्ट दबाइए और इस तरह से बाहर की तरफ इस तरह से ड्रैग कर दीजिए। देख सकते हैं डिज़ाइन बन जा रहा। अगर आप चाहते हैं कि भैया इधर से अंदर जाए तो यहाँ पर क्लिक कीजिए ऑल्ट और शिफ्ट के साथ, इस तरह से अंदर की तरफ थिकनेस आप इसको इस तरह बढ़ा सकते हैं, कम और ज़्यादा कर सकते हैं। सिंपल है। अब दोनों तरफ से इसको करना है तो इस तरह से आप ड्रैग कीजिएगा तो दोनों तरफ से इसका थिकनेस देखिए इस तरह चेंज होता है, देख सकते हैं यहाँ से। तो सिंपल तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है, सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ रखना है और इस तरह से ड्रैग करना है इस टूल के साथ। देख सकते हैं यहाँ से ये इस टूल के माध्यम से आप स्ट्रोक का थिकनेस कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ऑल्ट और शिफ्ट के साथ कीजिएगा तो एक तरफ का स्ट्रोक का थिकनेस बढ़ता है। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। और भी कुछ जानना है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।